मेरी वार्डरोब से लेकर सारी चीजों का हिसाब किताब अब तुम देखोगी। किस तकरीब में जाना है, किस रंग का लिबास पहनना है, कब पहनना है, शूज और बैग्स भी उसी के हिसाब से होने चाहिए, ये सब कुछ तुम देखोगी। सर्दियों के जो कपड़े हैं वो अलग करके रखने हैं तुमने। हर चीज तरतीब के साथ होनी चाहिए। बेतरतीबी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। समझ गई ना तुम ये बात? जी अच्छी तरह समझ गई। आह मेरी जान। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं अपने शौहर से मिलवाती हूँ तुम्हें, दुआन यिल्दरम। हेलो, मुझे यिल्दिस कहते हैं। हेलो। दुआन, यिल्दिस मेरी नई असिस्टेंट है आज से। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। खुशामदीद यिल्दिस। शुक्रिया। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। जगमगा रही हो जैसे। बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो है। हाँ मेरी जान। ऐसा नहीं हो सकता। शुक्रिया। आज का प्रोग्राम देखते हैं। यस। 11 बजे सैलून जाऊंगी। 12 बजे एक मीटिंग है मेरी, वहां से फ्री होकर मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगी। बहुत शुक्रिया मेरी जान। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जा सकती हो यिल्दिस। दुआन मेरी जान, तुम बहुत अच्छे हो। दुआन साहब, माजरत चाहता हूँ, मैं जानता नहीं था कि तुम यहाँ हो। दरअसल माफी तो मैं चाहती हूँ आपसे। आप आराम करें, या आकर बाद में समेट लूंगी मैं। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? मैं यहाँ कपड़े समेटने आई थी। दुआन साहब को नहीं पता था कि मैं अंदर हूँ। तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रही हो, और वो भी मेरे शौहर के साथ? हाँ आलिया, ऐसी कोई आलिया साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। जब से तुम यहाँ आई हो मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी नजरें मेरे शौहर पर जमी हुई हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दफा हो जाओ। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आलिया साहिबा। यहाँ से। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। दफा हो जाओ।